पंजाब प्रभारी और बायतू विधायक हरीश चौधरी ने शनिवार को राजकीय कृषि महाविद्यालय बायतू पहुंचकर महाविद्यालय स्टाफ और विद्यार्थियों से उनकी मूलभूत समस्याओं के संबंध में संवाद किया। इस दौरान महाविद्यालय में फर्नीचर और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चौधरी ने अपने विधायक कोटे से 5 लाख रुपए दिए। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय के लिए भूमि आवंटन हो चुकी है और बहुत जल्द एक भव्य भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पंजाब प्रभारी एवं बायतू विधायक हरीश चौधरी ने शनिवार को भी अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान दूसरे दिन भी बायतू की विभिन्न जगहों पर दौरे किए। शनिवार को बायतू विधायक हरीश चौधरी राजकीय कृषि महाविद्यालय बायतू पहुंचकर महाविद्यालय स्टाफ एवं विद्यार्थियों से उनकी मूलभूत समस्याओं के संबंध में संवाद करते नजर आए। हरीश चौधरी ने विद्यार्थियों को शिक्षा को पहला ध्येय एवं प्राथमिकता रखकर अपने आप को कॉलेज में अनुशासन के साथ रहने की सीख दी। उन्होंने विद्यार्थियों के कई सवालों के जवाब भी दिए। इस दौरान महाविद्यालय में फर्नीचर और अन्य मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति के लिए बायतू विधायक हरीश चौधरी ने अपने विधायक कोटे से 5 लाख रुपए की घोषणा की। एकदम ही आप सिर्फ आइसोलेटेड होकर और सिर्फ पढ़ाई 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 रहोगे तभी एक अच्छा इंसान नहीं बनेगा। पर प्रायोरिटी आपकी प्राथमिकता ये रहनी चाहिए कि आप इसको इस दौरान बायतू विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि महाविद्यालय के लिए भूमि आवंटित हो चुकी है और बहुत ही जल्द एक भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। वहीं शनिवार को राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी के साथ पंजाब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रभारी एवं बायतू विधायक हरीश चौधरी ने बायतू के हिमजी का तला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित प्रशासन गाँव के संग अभियान में भी भाग लिया।